हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो किड्स फेवरेट है, हॉट चॉकलेट मिल्क। बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। चॉकलेट मिल्क हो तो बच्चों को मजा आ जाता है मिल्क पीने का। तो फ्रेंड्स, आइए हॉट चॉकलेट मिल्क बनाना स्टार्ट करते हैं। थिक हॉट चॉकलेट मिल्क बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे आधा लीटर दूध। हाई फ्लेम पे दूध को बॉईल होने देंगे। दूध गर्म होने लग गया है, अब हम डाल देंगे चीनी। मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है इसलिए मैं 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप चीनी अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने डाल दिया है यहाँ पे मिल्क पाउडर। अब हम दूध को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए गर्म कर लेंगे। इस तरह से गोल गोल हिलाने से क्या होगा कि इसमें जो हमने मिल्क पाउडर डाला है इसके लम्स नहीं बनेंगे और चीनी भी आसानी से घुल जाएगी। हॉट चॉकलेट मिल्क के लिए दूध अच्छी तरह से गर्म हो गया है, उबाल भी आ गया है। अब मैंने गैस के फ्लेम को कम कर दिया है ताकि अच्छी तरह से दूध गाढ़ा हो जाए। आज हम थिक हॉट चॉकलेट मिल्क बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए दूध भी गर्म हो चुका है। हमने एक बाउल लिया है और 1 चम्मच हम बाउल के अंदर कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 चम्मच कोकोआ पाउडर। अब हम कॉर्नफ्लोर को और कोकोआ पाउडर को मिक्स कर लेंगे और नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर इसमें मिल्क डाल देंगे। मिल्क हमें आधा कप ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। आधा कप मैंने दूध डाल दिया है। अब अच्छी तरह से दोनों चीजों को मिक्स कर लेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, आज ये जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं थिक हॉट चॉकलेट मिल्क, आप बनाइएगा जरूर। बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे इस रेसिपी को और अब बाजार से नहीं लेके आएंगे। जब भी उनको हॉट चॉकलेट मिल्क पीना होगा तब फटाफट से घर में ही खुद से ही प्रिपरेशन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और कोकोआ पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम मिक्सचर को उबलते हुए दूध में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो लम्स बन जाएंगे और लगातार हिलाते रहना है। देखिए, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और अभी हमें इसको 2 मिनट तक पका लेना है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉर्न स्टार्च डाला है और कोकोआ पाउडर डाला है तो दोनों चीजें अच्छी तरह से पक जाएं, इसलिए हमें इसको इस तरह से घुमाते हुए पका लेना है। देखिए कितने बढ़िया से हमारा हॉट चॉकलेट मिल्क बनके तैयार हुआ है, पर अभी इसमें कुछ चीजों की कमी है, उसको ऐड करने के बाद देखिएगा ये और भी मजेदार हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस स्टेज पर आप इसको ठंडा करके टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको शुगर कम लगती है तो आप अपने हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। देखिए, 2 मिनट हो गए हैं और हमारा चॉकलेट मिल्क एकदम रेडी हो चुका है, काफी थिक भी हो चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। पर अभी इसको और यम्मी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए डार्क चॉकलेट। लगभग 50 ग्राम के आसपास मैंने डार्क चॉकलेट ली है और पीसेस करके रखे हैं। अब मैं इसको चॉकलेट मिल्क के अंदर डाल दूंगी, इससे मिल्क बहुत ही टेस्टी हो जाएगा और बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे। देखिए, डार्क चॉकलेट डालने के बाद में मिल्क का कलर और भी अच्छा हो गया है और खुशबू और भी अच्छी आने लग गई है और ये वाकई में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हॉट चॉकलेट मिल्क है इसलिए इसको गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आइए हॉट चॉकलेट मिल्क को सर्व कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिया है एक ग्लास और ग्लास में सबसे पहले डाल दूंगी डार्क चॉकलेट। ये मैंने थोड़ी सी मेल्ट करके रखी है यानी कि मैंने गर्म कर ली थी। हॉट चॉकलेट मिल्क रेडी हो गया है और हमने ग्लास में सर्व भी कर दिया है। अब अगर आप चाहें तो इस तरह से व्हाइट चॉकलेट ले लें और इसको कद्दूकस कर दें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर लगेगी। पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमने एक यहाँ पे ली है चाय छानने की छलनी और इसमें डाल देंगे हम कोकोआ पाउडर।
देखिए कितनी बढ़िया हमारी रेसिपी बन के तैयार हुई है, कितना बढ़िया हमारा हॉट चॉकलेट मिल्क बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, हॉट चॉकलेट मिल्क बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।